नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बिस्तर न्यूज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली के द्वारका में दुर्गा सप्तशक्ति फाउंडेशन की फाउंडर और भारत तिब्बत समन्वय संघ की राष्ट्रीय महामंत्री एवं वरिष्ठ समाज सेवी संध्या सिंह ने अपने कार्यालय में गणपति बापा को अतिथि के रूप में 5 दिन के लिए विराजमान किया, जिसके चौथे दिन विधि विधान और मंत्रों के साथ हवन यज्ञ एवं भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में कई लोगों ने बापा का प्रसाद चखा। आपको बता दें कि इस आयोजन में भारत तिब्बत समन्वय संघ के कई अधिकारी, दुर्गा सप्तशक्ति फाउंडेशन के कार्यकर्ता एवं ऑफिस का पूरा स्टाफ मौजूद रहा और सभी गणपति बापा मोरिया के स्वर में रह गए थे। सभी लोगों ने इस आनंदमय क्षण का आनंद लिया। जब हमारी टीम ने उनसे बातचीत की तो देखिए क्या कुछ कहा सभी लोगों ने। आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। पिछले 10-11 साल हो चुके हैं जो मैं गणपति जी ला रही हूँ, और गणपति जी लाना और उनको बिठाना, उनको उनकी पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। और वो भी बहुत ऐसा लगता है कि जब वो आते हैं और हमारे साथ जब हम उन्हें स्थापित कर देते हैं तो वो ऐसा लगता है कि वो भी हमारे जैसे ही हो गए हैं और हमारे साथ हमारे बीच में घूम रहे हैं और हमारे साथ बैठे हुए हैं। आपको भी पता है कि सबसे ये महाराष्ट्र का त्यौहार माना जाता है, पर गणपति जी तो अकेले महाराष्ट्र के नहीं हैं, पूरे विश्व के हैं, पूरे अपने भारतवर्ष के हैं। तो मैंने भी सोचा कि जब सभी लोग मनाते हैं गणपति जी तो हम भी उन्हीं की तरह, हम भी पूरी कोशिश करते हैं उसी तरह से फेस्टिवल मनाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ की भी संस्कृति, जैसे महाराष्ट्र की संस्कृति यहाँ पे दिखाई दे और यहाँ पे हम इस तरह से गणपति पूजा मनाएं, जैसे और लोग भी मनाएं और लोगों को। एनबीसी न्यूज़ के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली के हरिनगर में शोभा तिवारी पत्नी शांत तिवारी लगभग 11 वर्षों से अपने बेटे सनी तिवारी की तलाश में दर दर भटक रही है। लगभग 12 वर्ष की उम्र में उनका बेटा सनी घर के पास से ही लापता हो गया था, जिसकी सूचना उन्होंने नजदीकी पुलिस स्टेशन में दी थी, लेकिन कोई हल नहीं निकला है। उसके बाद उन्होंने पीएम मोदी, दिल्ली सीएम केजरीवाल और LG के चौखट पर दस्तक दी, लेकिन हर जगह मायूसी ही हाथ लगी है। कई संस्थाओं से भी उन्होंने मदद की उम्मीद की, लेकिन सिर्फ निराशा के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ है। पूरे 11 साल बाद अब उन्हें तारा देवी मेमोरियल ट्रस्ट ने एक उम्मीद जगाई है। ट्रस्ट की ट्रस्टी रजनी शर्मा ने भी उन्हें भरोसा दिला है और उनका कहना है कि हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी, और उन्होंने अपनी कोशिशें शुरू कर दी है। ये तस्वीर जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ये वही तस्वीर है। अगर आपको भी कहीं कोई पता चले तो हमारे कमेंट बॉक्स में सूचित करें और वीडियो को दूसरी जगह शेयर करें, शायद आपकी एक कोशिश से किसी का 11 साल से बिछड़ा हुआ बेटा मिल जाए। आज सोशल मीडिया का जमाना है और इस सोशल मीडिया के जमाने में आप किसी एक वीडियो को शेयर करके किसी को रातों रात स्टार बना देते हैं, तो एक पहल यहाँ भी कीजिए, शायद किसी का बिछड़ा हुआ बेटा मिल जाए। और क्या कुछ मिल जाए आगे सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। मेरा शोभा तिवारी नाम है। कुछ नहीं, मेरा बेटा 2013 से गायब है, नहीं मिल रहा है अभी तक। बहुत लोगों से बोला, सबसे मदद मांगी, 2-4 दिन आते थे बस चले जाते थे, पुलिस वालों को भी किया, उन्होंने भी आते थे। बेटा मुझे नहीं पता, स्कूल गया था, मेरे को बस बोल के गया, मम्मी मैं फिटिंग पे जा रहा हूँ, आगे मुझे कुछ नहीं पता। हाँ बस मैं शाम तक इंतजार की, 6 बजे तक, उसके बाद मैं ढूंढने लगी। नहीं पता था कुछ भी, क्योंकि उस टाइम मैं बीमार थी, मुझे इतना, मैं इतनी छानबूझ नहीं करती थी कि मैं काम करूँ या बच्चे का इतना ध्यान रख पाती। मिशन न्यूज़ के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। हिंदी समाचार में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए BCN न्यूज़। नमस्कार।